कब्जा हो गया। तालिबानी आतंकवादी रूप में काम करते हैं और जो लोग उनका समर्थन करते हैं भारत में रह करके, भारत का ही खाते हैं, भारत का ही पानी पीते हैं और भारत के विरोध में नारे लगाते हैं, ऐसे लोग भी आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु, कुछ और अन्य लोग तालिबानी समर्थक बन गए हैं यहाँ के लोग। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में रह करके आप लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि जो लोग भारत में रह करके तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करके जेल में डाला जाए और ऐसे लोगों को कुचल देना ही ठीक है, क्योंकि यदि इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई तो समस्या और जटिल हो जाएगी। यह चिंता का विषय है। जो भी मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा कार्य कर रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि कुरान में भी लिखा हुआ है, जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश में रह करके उनका भोजन करते हैं, उनका जल पीते हैं, उनके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करना चाहिए। हमारे देश के मुसलमान रहे हैं, वीर अब्दुल हमीद रहे हैं, जो देश के लिए बलिदान दे दिए, ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं, लेकिन गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। जिनके अंदर गद्दारी आ गई है, राष्ट्रद्रोह की भावना आ गई है, उन्हें माफ़ करना उचित नहीं है, इसलिए कि कभी भी धोखा दे सकते हैं। जैसा हम आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान जो इसमें है कंधार, वो कभी गंधार नरेश के राजा थे शकुनी मामा, वहाँ कभी सिखों का राज था, हिंदुओं का राज था, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और इन्होंने कब्जा कर लिया। आज वहाँ एक भी हिंदू नहीं। जहाँ इनकी संख्या बढ़ेगी 16% से अगर ये 20 हो गए, 25 हो गए, तो हमारे राष्ट्र के लिए भी यह शुभ संदेश नहीं है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से, माननीय अमित शाह जी से एवं प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मोदी जी से यह मांग करता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे राष्ट्र के लिए भी यह शुभ संदेश नहीं है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से, माननीय अमित शाह जी से एवं प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मोदी जी से यह मांग करता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अति आवश्यक है। यदि नहीं लाया गया तो आगे चल करके एक गंभीर व्यवस्था हो जाएगी और जिसको निपटने में काफ़ी समय लगेगा। पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तो हर प्रांत उसे माने, ऐसा कोई कानून लाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह कानून लाए हैं, वह प्रशंसा के पात्र हैं। मेरा मानना है केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून ला दे जिसे सभी राज्य माने तो ये जो समस्या है वह इसका हल हो सकता है। तालिबानी सोच वाले भारत में रह कर के उनकी फितरत यही रहेगी कि वो तालिबानी सोच के जो लोग हैं वो अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम सभी मुसलमान भाइयों से निवेदन करते हैं कि जहाँ पे माताओं बहनों का सम्मान न हो, जहाँ पे वह स्वतंत्र हो करके अपना कार्य न कर सकें, ऐसे देश का आप समर्थन क्यों करते हैं? और तालिबान कोई देश नहीं हो तो आतंकवादियों का गढ़ है, और पाकिस्तान तो उसका समर्थन करेगा क्योंकि वो भी आतंकवादियों का गढ़ होता है। तो भारत में रहने वाले मुसलमान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग भारत में रह करके भारत के साथ गद्दारी नहीं करें, और जो गद्दारी कर रहे हैं मुसलमान उनको समझाइए, और नहीं समझ में आता है तो जो मुस्लिम धर्म गुरु
भारत के पक्ष में रहते हैं उनको दंड दें, ऐसा आपसे अनुरोध है। एक बार पुनः माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय अमित शाह जी से एवं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से हम लोग यही सब संत महात्मा निवेदन करते हैं, जितना जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत ही अति आवश्यक है, देश के लिए भी और समाज के लिए भी।